वेलकम बैक इन द क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने वोलिलेशन का एक पैराग्राफ स्टडी किया, जिस पैराग्राफ में हमने यह स्टडी किया था कि भोली की जो शादी है वो पास ही के गांव में एक विशंबर नाथ नाम का व्यक्ति है जो ग्रॉसर है, पंसारी है, उसके साथ तय कर दी गई थी। और विशंबर नाथ की जो उम्र है वो 45-50 की लमसम है और वो जो एज है उसके पिताजी की एज के बराबर है, लेकिन फिर भी उसकी शादी तय कर दी गई। भोली ने कोई किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। उसने सोचा कि अपने पेरेंट्स जो हैं वो तय कर रहे हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और दूसरी बात पेरेंट्स ने जो है अपनी मर्जी से ये सारा जो प्रोग्राम है वो तय किया, एंगेजमेंट का, उसकी शादी का, ओके। और दोनों आपस में, उसके पेरेंट्स हैं, माता पिता जो आपस में ये कंसल्ट कर रहे हैं कि वो पास का गांव का है, और दूसरी बात उसके पास बैंक बैलेंस भी है, खुद की दुकान है, खुद का मकान है, ओके, और यूँ कह सकते हैं 1000 रुपये बैंक में भी उसके पड़े हैं। और यहाँ तक कि वो भोली की स्टैमरिंग के बारे में, भोली की अकलाट के बारे में, उसके सिंपलटन नेचर के बारे में वो नहीं जानता है, ऐसा दोनों आपस में कंसल्ट कर रहे हैं और हमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ओके। और फिर वो आपस में ये कंसल्ट करते हैं पिछले पैराग्राफ में कि 45 और 50 कोई एज थोड़ी होती है, कोई खास एज नहीं है, और भोली के जितनी उम्र के जो बच्चे हैं विशंबरनाथ के ऑलरेडी जो उसकी फर्स्ट वाइफ है उससे हैं, लेकिन इन बातों का वो ध्यान नहीं देते हैं। उनको तो ये है कि इसके चेचर के निशान हैं, क्या पता इन फ्यूचर की शादी हो या नहीं हो, और जो उसकी 3 लड़कियाँ वो काफ़ी सुंदर थी, तो इस प्रकार से आपस में कंसल्ट करते हैं और शादी उसकी तय कर देते हैं। और एक दिन विशंबरनाथ जो है, थोड़े दिन बाद में जो है, एक दिन विशंबरनाथ बारात लेके आ जाता है और बारात में जो है जो भी इंडियन सॉन्ग की जो धुन बजती है वो बज रही है, लोग आपस वहाँ जो है सभी एकत्रित होकर के कलेक्ट होकर नाच रहे हैं, और सारी जो उसकी बहनें हैं वो देख करके थोड़ा सा उनको ईर्ष्या होती है कि देखो हमारी बारात इस प्रकार से पॉम्प एंड स्प्लेंडर वर्ड आया इसमें, बिल्कुल सानो सोकत से नहीं आई थी जैसे कि भोली की बारात आई है, ओके। उसके जस्ट बाद में थोड़ा सा वो बारात आगे आती है, आने के बाद में वहाँ पर जो मेन गेट पर जो रस्म होती है, गार्लैंड वाली जो रस्म होती है, माला जो पहनाते हैं, उस वक्त किसी औरत ने भोली का जो दुपट्टा है, सिलिकन जो वेल है, उसको थोड़ा सा पीछे सरका दिया, और पीछे सरकाते ही जैसे ही उसकी नज़र पड़ी भोली पर विशंबरनाथ की, तो थोड़ा सा वो स्टार्टल्ड हो गया, चौकन्ना हो गया, इसके चेचर के निशान है, अब उसको एक बहाना सा मिल गया कि मैं तो इससे शादी नहीं करूँगा। तो उसने अपने एक फ्रेंड को बोला कि देखो इसके चेचर के निशान है और इसकी जो इसका जो चेहरा है वो कितना बिगड़ा हुआ है। तो उसके फ्रेंड ने बिल्कुल सही बोला कि तू कौन सा ज़्यादा जवान है, यंग थोड़ी है, तुम तेरी भी तो एज दे कम से कम, चेचर के निशान ही है, तेरी तो एज कितनी ज़्यादा है, दूसरी बात तू लंगड़ा के भी चलता है। ये बात उसने, उसके फ्रेंड ने जो है उसको बोल दी। अब वो उस बात पर जो है वहाँ पर वो एक तरह से टस से मस नहीं, नहीं मेरे को तो 5000 रुपये ला के दो दहेज के रूप में, तब तो मैं इसे शादी करूँ वरना नहीं करूँ। और इस बात को सुनकर के भोले के पिताजी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, और उसने भोले के पिताजी ने अपनी पगड़ी उसके पैरों में रख दी, उसकी जो इज्जत थी, रेपुटेशन थी, उसके पैरों में रख दी, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे हो, ओके। फिर उसके बाद में जो है वो बेचारा कहीं से अरेंजमेंट करके और वो पैसे लाता है। अब तक इस बात का पता भोली को चलता नहीं है, ओके। अब इसके जस्ट बाद में जो है देखो क्या होता है, वो उससे ये भी मिन्नतें करता है कि यदि तो आप भोले से शादी नहीं करोगे तो मैं मेरा गांव में कैसे मुंह दिखाऊंगा, मेरी कुछ रेपुटेशन है वो जो है वो भी डाउन हो जाएगी। इसके जस्ट बाद में रिमेनिंग पार्ट में देखो क्या होता है, तो हम देखते हैं इसको, इसके जस्ट बाद में क्या होता है। तो उसने कहा कि मेरी गाँव में इज्जत खराब हो जाएगी, तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। तो उसने क्या बोला, किसने, विशंबरनाथ ने, देन आउट विद 5000, बोले 5000 रुपये निकालो फिर। जबकि उसने ये कहा था रामलाल ने कि 5000 नहीं है, आप 2000 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 2000 रुपये आपको दे दूंगा। लेकिन ये जो है कौन, जो विशंबरनाथ है वो एक नंबर का लालची, एक नंबर का ग्रीडी इंसान है। तो उसने कहा नहीं, 5000 रुपये चाहिए, ये गैम्बल कर रहा है, गेम खेल रहा है। टीयर्स स्ट्रीमिंग, स्ट्रीमिंग का मतलब बहते हुए आंसू जो है वो उसके चेहरे से बहते हुए, किसके चेहरे से, रामलाल के चेहरे से। राम वेंटिन यहाँ पर है, ये रामलाल है, रामलाल वेंटिन, रामलाल जो है वो अंदर गए या गया। ओपन द सेफ, अपनी तिजोरी को खोला, एंड काउंटेड आउट द नोट्स, और नोट्स को गिना।
ही प्लेस्ड द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट। उसने क्या किया, वो नोट्स का जो बंडल था उसको जो दूल्हा है उसके पैरों में लाके रख दिया। अब ऐसी कंडीशंस पैदा होगी वहां कि इस वक्त वो अगर नहीं मानता तो बारात लेके वापस जाता है। तो ये बात पहले वाले बुजुर्ग अपनी शान के खिलाफ समझते थे कि दरवाजे पर आई भी बारात है वो वापस नहीं जाती है, इससे दोनों तरफ जो है वो बदनामी होती है और ज्यादा लड़की वाले की, जो भी लड़की वाला होता है या पिता होता है, उसकी बदनामी ज्यादा होती है बजाय लड़के वालों की तरफ से। तो लड़के वालों की ज्यादा नहीं होती बजाय किसके, लड़की वालों की बदनामी इसमें ज्यादा होती कि बारात वापस नहीं जानी चाहिए। तो इस रेपुटेशन को जो है वो कायम रखने के लिए होली के पिताजी ने जो है 5,000 रुपये कैसे भी अरेंज करके और ला करके और ब्राइड ग्रूम के विशंबरनाथ के पैरों में रख दिए। ऑन विशंबर्स ग्रीडी फेस, और विशंबर का जो लालची चेहरा है, अपीयर्ड ए ट्रायम्फेंट स्माइल, उस पर एक विजयी मुस्कान आ गई। विजयी मुस्कान आनी थी क्योंकि उसको 5,000 रुपये मिल रहे हैं और वो भी बिना कमाए पैसे मिल रहे हैं। ओके, और उसकी एज देखो और होली की एज देखो, उसके बाद वो एक गैम्बलर है एक नंबर का, और इस हिसाब से उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई कि देखो मेरे को 5,000 रुपये मिल रहे हैं दहेज के रूप में। वो भी ही हैड गैम्बल्ड, क्या बोल रहा है वो, कि उसने जुआ खेला, गैम्बल में जुआ खेलना, उसने जुआ खेला था एंड वन और जीत भी गया। ये उसके माइंड में जो है इस प्रकार की जो एक यूं कह सकते हैं आप डर्टी जो थिंकिंग है वो आ रही है। गिव मी द गार्लैंड, अब उसके जस्ट बाद जैसे ही पैसा उसको मिला उसने क्या बोला, गिव मी द गार्लैंड, मुझे माला दे दो। यहाँ पर इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। ही अनाउंस, उसने घोषणा की, अब मुझे माला दे दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब मैं इसको जो है माला पहना दूंगा। क्योंकि ये क्यों कह रहा है, क्योंकि उसको अभी जो है 5,000 रुपये मिल गए हैं दहेज के रूप में, इसलिए वो इतनी बात कर रहा है। वंस अगेन द वेल वॉज स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, एक बार फिर से जो है क्या किया गया, वेल वॉज स्लिप्ड बैक, घूंघट हटाया गया फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, दुल्हन के चेहरे से फिर से घूंघट हटाया गया। बट दिस टाइम, इस बार क्या हुआ, इस बार हर आईज वर नॉट डाउन कास्ट, उसकी आंखें नीची नहीं थी। किसकी, उसकी नजरें नीची नहीं थी, किसकी, भोली की। पहले तो उसकी नजरें नीची हो गई थी जब किसी औरत ने जो घूंघट हटाया था उसका, उस टाइम पर जो है दहलीज पर, तब तो उसकी नजरें नीची हो गई थी, लेकिन इस बार उसकी नजरें जो है नीची नहीं हुई। अब यहां देखना, थोड़ा सा यहां पर स्टोरी में एक ट्विस्ट आने वाला है और ये आना भी चाहिए, ऐसा होना भी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो ये दहेज के लालची लोग हैं ये पता नहीं क्या क्या करेंगे, या कितनी जो बच्चियां हैं या कितनी जो लड़कियां हैं वो इस दहेज की आग जो है उसके भेंट चढ़ जाएंगी। तो ये होना भी चाहिए जो अभी होने जा रहा है, देखना अभी ये दहेज के जो लोग हैं, दहेज जो लेते हैं, दहेज के लालची, उनके साथ में ऐसा ही होना चाहिए था। और ऐसा अगर होता है तो फिर किसी के साथ में जो है, किसी भी लड़की के साथ में बुरा नहीं होगा। तो क्या हुआ, ये प्रेजेंट टाइम की बात अपन कर रहे हैं कि दहेज के लालची लोगों के साथ में अभी जो हो रहा है ना, अभी नेक्स्ट पैराग्राफ हम पढ़ेंगे उसमें होगा, वो होना चाहिए, नहीं होगा तो इस बात को जो है फील नहीं कर पाएंगे। उसकी आंखें या उसकी नजरें नीची नहीं, सी वॉज लुकिंग, अब ऊपर देख रही थी, लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, और किसकी तरफ देख रही, बिल्कुल सीधी नजरों से देख रही है एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, प्रोस्पेक्टिव संभावित जो होने वाला पति है, हुआ नहीं अभी, होने वाला पति, उसकी तरफ वो बिल्कुल स्ट्रेट देख रही है। एंड इन हर आईज, उसकी आंखों में क्या है, देखो देयर वाज नीदर एंगर, न तो उसकी आंखों में गुस्सा था, एंगर मींस गुस्सा, नॉर हेट, न उसकी आंखों में नफरत थी, बल्कि क्या था देखना आगे, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, कंटेम्प्ट मींस इंसल्ट, केवल एक ठंडी यूं कह सकते हैं बिल्कुल नीरस जो अपमान होता है उसका, ठंडा जो अपमान होता है वो था कि इसने मेरे पिताजी की इंसल्ट कर दी, दूसरी बात मेरी वहां इंसल्ट कर दी, इस प्रकार का जो इंसल्ट है वो काफी ज्यादा फील कर रही है और अपने इंसल्ट का देखो किस प्रकार से बदला लेती है। देखो आगे, अब जो है मैन जो सीन है वो तो अब आने वाला है, क्या हुआ देखो, किस प्रकार से एक लालची इंसान के साथ में ऐसा ही बर्ताव होना चाहिए, ऐसा ही बिहेव होना चाहिए, तब जाके वो लालची इंसान है इस बात को समझा कि मैं जो लालच कर रहा हूं मुझे नहीं करना चाहिए था, ऐसा सबक मिलना चाहिए ऐसे इंसानों को। December raised the garland, December ने जैसे ही माला उठाई, raised means उठाई, to place it round the bride's neck, place means रखने के लिए, round the bride's neck, जो दुल्हन है उस दुल्हन के गर्दन के चारों ओर जो है जैसे उसको माला पहनाने के लिए उसने उठाई है,
या माला पहनाने के लिए उसने उस साइड में की है, उसकी गर्दन की तरफ की है, बट बिफोर ही कुड डू सो, इससे पहले कि वो ऐसा कर सके मतलब माला पहना सके, तो भोली ने क्या किया, देखो भोली हैंड स्ट्रक आउट, भोली ने झपटा मारा या भोली के हाथ ने झपटा मारा, लाइक कैसे झपटा मारा देखो, ए स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग, जैसे बिजली की चमक होती है ना, जो आकाश से बिजली होती है भयंकर, जो बिजली की चमक होती है और ऐसे आवाज आती है या मान लो एक झटका सा लगता है, वैसे उसने जोर से जो है माला फेंकी, एंड द गार्लैंड वॉज फ्लंग, और गार्लैंड कहाँ गिरा जाकर के या माला कहाँ गिरी जाकर के, इन टू द फायर, जो मंडप की अग्नि जल रही थी उस अग्नि में जाकर के और माला गिरी, और फिर क्या हुआ, सी गॉट अप, वो उठी एंड थ्रू अवे द वेल, और घूंघट को उसने उतार के फेंक दिया। अब देखना भोली, जिसको हम भोली समझ रहे थे, हालांकि वो सिचुएशन का कोड सही बोल रही है और उसको यहाँ बोलना भी चाहिए, अगर वो यहाँ नहीं बोलती है तो फिर ये लाइफ टाइम जो है उसके साथ ये टॉर्चर वाला बिहेव होने वाला है। तो यहाँ पर आप देखो, रियल में आज के रेफरेंस में भी एक लड़की को ऐसा ही बोलना चाहिए, इन ये जो दहेज के लालची जो लोग हैं, ग्रीडी जो लोग हैं, उनको सबक सिखाने के लिए एक लड़की को ऐसा बोलना चाहिए ताकि दोबारा वो दहेज की मांग नहीं कर सके। तो क्या कहा पिताजी, सेड भोली इन क्लियर लाउड वॉइस, एक बिल्कुल स्पष्ट आवाज में, क्लियर लाउड वॉइस, एक ऊंची स्पष्ट आवाज में किसने कहा, भोली ने कहा, एंड हर फादर, वहां कौन कौन है देखो, उसके पिताजी हैं, मदर उसकी माँ है, सिस्टर्स बहने हैं, ब्रदर्स उसके भाई भी वहाँ है, रिलेशंस रिलेटिव जो आए हैं संबंधी लोग, एंड नेबर्स और जो पड़ोसी हैं, वो ये सुनकर के और क्या हुआ उनके साथ में, वह स्टार्टल्ड, वो चौकन्ना हो गए कि ये क्या हो गया, टू हियर हर स्पीक, उसका जो स्पीक है तो उसका जो भाषण कह सकते हैं, उसकी जो बोली है उसको सुनकर के सभी चौकन्ने हो गए, और वो बोली भी कैसी, विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टेमर, जरा सा भी जो है हकलाहट उसको नहीं हो रही थी, जरा सी भी हकलाहट जो है ना वो उसको नहीं हो रही थी, और वो ऐसे नॉन स्टॉप जो है वो बोल रही थी कि अब ये जो दहेज के लालची जो लोग हैं उनके साथ में ऐसा ही होना चाहिए। तो ये जो कंडीशन है वो क्रिएट हुई है, तो ऐसी कंडीशन होनी भी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, क्योंकि ये जो ग्रीडी लोग हैं, इन ग्रीडी लोगों के साथ में अगर ऐसा नहीं होगा तो ये ग्रीडी जो लोग हैं ये धन के लालच में जो है वो ऐसा ही करेंगे जैसा वो यहाँ पर विशंबरनाथ जो है वो कर रहा है। विशंबरनाथ को ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो विशंबरनाथ जो है वो एक नंबर का लालची इंसान है, उसको इस प्रकार से बिहेव नहीं करना चाहिए। ये जो कंडीशन क्रिएट हुई है यहाँ, वो कंडीशन रियल में सही है, कौन सी, भोली के द्वारा उसको प्रताड़ित करना, ये कंडीशन बहुत सही टाइम पे और बहुत ये मान सकते हैं आपकी बहुत रियल है, ऐसा होना भी चाहिए। अगर ऐसा भोली नहीं करती या भोली उसको सबक नहीं सिखाती ना, तो विशंबरनाथ और ज्यादा जो है वो लाइफ में हमेशा उसको टॉर्चर करता। तो अब जो भोली है वो बिना किसी हकलाहट के अपने सभी रिलेटिव्स के सामने, अपने सिस्टर्स जो ब्रदर्स वगैरह हैं, ओके मदर है, फादर है, सबके सामने जो है बिना हकलाहट के, और उसने जो है बोला है, तो क्या बोला है वो हम फाइनल टच है, वो रिमेनिंग जो पैराग्राफ है इसका, नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें हम स्टडी करेंगे। लेकिन उसने जो है बिल्कुल खरी खोटी जितनी सुनानी थी ना, और जो रियल में सुनानी भी चाहिए ऐसे इंसानों को, वो उसने सुना दी है, वो रिमेनिंग पैराग्राफ जो होगा इसका स्टडी करेंगे उसमें, ओके। अब थोड़ा सा इसको हम ग्रामेटिकली पोर्शन उसका देख लेते हैं, तो लेट्स सी द ग्रामर पोर्शन ऑफ दिस पैराग्राफ। देन आउट विद 5000, फिर जो है 5000 रुपए निकाल दो, यहाँ पर ये इनडायरेक्टली जो है एक तरह से इंपरेटिव सेंटेंस है। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, उसकी आंखों से जो है आंसू बहते हुए, रामलाल वेंट इन, रामलाल अंदर गया, यहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस, ओपन द सेफ, सेफ मींस तिजोरी, तिजोरी को खोला, तो यहाँ पर भी पास्ट सिंपल टेंस का यूज किया गया है, एंड काउंटेड, फिर यहाँ से पास्ट सिंपल और नोट्स को उसने गिना है, He placed, और उसने फिर रखा है, प्लेस मीन्स रखा, ये पास सिंपल टेंस, द बंडल एट द ब्राइड्स ग्रूम फीट, दुल्हन दूल्हे के जो पैर हैं वहां उसने जो है बंडल जो है किसका, नोट्स का, वो वहां पर रख दिया है, तो यहाँ पर भी पास सिंपल टेंस, यहाँ पर पास सिंपल टेंस, यहाँ पर भी पास
सिंपल टेंस और यहाँ पर भी पास्ट सिंपल। दिसंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड, दिसंबर का जो लालची चेहरा है वो कैसा लगा? ट्रायम्फेंट, विजयी, जो मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई या प्रकट हो गई या प्रकट हुई, तो यहाँ पर भी पास्ट सिंपल टेंस। ही हैड गैम्बल्ड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसने गेम खेला था या गेम खेल चुका था, तो पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड वन और जीता हुई, तो यहाँ पर भी पास्ट सिंपल और हैड प्लस थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट। Give me the garland, ये imperative sentence है, verb की first form से start है, कि मुझे माला दो, ये announce उसने घोषणा की, तो यहाँ पर भी past simple tense का use किया गया है, okay? Once again एक बार फिर veil was slipped, घूंघट है वो सरकाया गया, तो यहाँ पर past simple का passive voice है, was plus verb की third form। Back from the bride's face, दुल्हन के चेहरे से जो है ये घूंघट हटाया गया, बट दिस टाइम हर आईज वर नॉट डाउन कास्ट, उसकी आंखें उसकी नजरें नीची नहीं थी, तो यहाँ पर जो वर है वो मैन वर्ब के रूप में है और टेंस कौन सा है? पास्ट सिंपल टेंस है, ओके? इसके जस्ट बाद देखिएगा, सी वॉज लुकिंग अप, वो ऊपर देख रही थी, वॉज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, लुकिंग स्ट्रेट, सीधा बिल्कुल सीधा देख रही थी, एट अ प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, अपने होने वाले पति की तरफ, एंड इन हर आईज, उसकी आंखों में क्या था? देयर वाज नीदर एंगर, न तो गुस्सा था और नॉर हेट, न नफरत थी, तो यहां पर वॉज का यूज मैन वर्ब के रूप में किया गया, पास्ट सिंपल टेंस। क्या था? ओनली कोल्ड कंटेंप्ट, एक ठंडी कह सकते हैं, नीरस कह सकते हो, अपमान था उसका, मतलब अपमान का बदला वो लेना चाहती थी, लेकिन वो भी तरीके से। दिसंबर रेस्ट, रेस्ट मींस उठाई, तो यहां पर भी पास्ट सिंपल टेंस, उसने क्या उठाई? The garland, माला उठाई, to place it round the bride's neck, जो दुल्हन है उसके गर्दन में या उसके गले में जो है माला डालने के लिए उसने उठाई, but before he could do so, इससे पहले कि वो ऐसा कर सके, past tense हो गया, यहाँ पर can का past tense हो गया, Bolin's hand struck out, यहाँ पर भी past simple है, Bolin ने झपटा मारा, like a streak of lightning, जैसे कि आकाश से बिजली की चमक होती है, उसकी आवाज होती है, एकदम से झपटा मारा। And garland was flung into the fire. और garland कहाँ गिरी जा करके? उसे मंडप की अग्नि में गिर गई। तो was plus verb की third form means यहाँ past simple tense का passive voice है। She got up, वो खड़ी हुई, यहाँ पर past simple, and threw, और फेंक दिया, threw means ये भी फेंका, मतलब past simple है यहाँ पर, threw away the veil, अपने घूंघट को उसने फेंक दिया, okay? और क्या बोला पिताजी? सैड, भोली, भोली ने कहा इन ए क्लियर लाउड वॉइस, एक बिल्कुल स्पष्ट और ऊंची आवाज में उसने कहा, एंड हर फादर, अपने पिताजी को बोला, माताजी को बोला, सभी वहीं एक साथ ही बैठे हुए हैं, क्या बोला? किसको बोला? फादर, मदर, सिस्टर्स, ब्रदर्स, रिलेशंस, ये सभी जो लोग हैं वहां हैं, एंड नेबर्स, अपने पड़ोसियों भी कहा, उनके सामने ही बोला, और ऐसा बोलते हुए देख करके ये सारे सारे जो लोग हैं इनके लिए आया है वर, मतलब पास्ट सिंपल टेंस, सभी के सभी क्या थे? स्टार्टेड, चौकन्ने थे। टू हियर, ये सुनकर के, हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर, जरा सी भी हकलाहट के बिना उसको सुनकर के, और वो सभी के सभी क्या थे? चौकन्ने थे कि आज तो भोली ने कमाल कर दिया, बिना किसी जरा सी भी हकलाहट के वो किस प्रकार से जो है वो बोल रही है, तो यहाँ पर टू इन्फिनिटिव है, ओके? इस प्रकार से जो है भोली ने जो है अपना जो रियल जो रूप है वो इन सभी को दिखाया, अगर वो नहीं दिखाती तो सभी उसको अब तक बेवकूफ समझ रहे थे, ये तो भोली है, और उसको बुद्धू समझ करके तो इतना सब कुछ काम कर दिया, एक 50 साल के व्यक्ति के साथ में उसकी जो शादी है वो तय कर दी, बारात भी आ गई है, और ऐसा लालची इंसान जो है वो एक तरह से यहाँ गेम खेल रहा है, उसके पिता से 5000 रुपये वो मांग रहा है, अब ये चीज़ें जो हैं सबके सामने अगर वो नहीं करता तो हो सकता उसका काम चल जाता, लेकिन वो सबके सामने इस प्रकार जो है वो दहेज की मांग कर रहा है। तो देखिएगा इसमें हमने जो टेंसेस का स्टडी किया वो कौन कौन से टेंसेस थे, पास्ट सिंपल टेंस था, तो यहाँ पर ही पास्ट सिंपल है जो मैं सर्कल बनाए हैं, यहाँ पर भी पास्ट सिंपल है, यहाँ पर भी गैम्बल्ड में ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, यहाँ पर भी पास्ट सिंपल है, यहाँ पर पास्ट सिंपल है, ओके? यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है वॉज के साथ और फर्स्ट आई एन जी, ये पास्ट सिंपल है, ओके? और इसके जस्ट बाद में यहाँ पर जो है पास्ट टेंस है, कैन का पास्ट कोड है, फिर यहाँ पर ये पास्ट सिंपल है, ओके?
वॉज फ्लंग, ये पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस है, ये पास्ट सिंपल है, यहां पर भी पास्ट सिंपल है, ओके, ये पास्ट सिंपल है सेड, और इसके जस्ट बाद में यहां पर जो है वर्ब स्टार्टर, यहां पर ये पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस है। इस प्रकार हमने जो है इसका ग्रामेटिकल पोर्शन स्टडी किया है। नेक्स्ट क्लास में हम इस लेसन को फाइनल टच देंगे, तब तक आप इस लेसन के जो वोकैबुलरी है, इसका जो ट्रांसलेशन है, जो टेंसेज हैं, उनका आप स्टडी करेंगे, ओके, विशेष ढंग से जो आप इसको स्टडी करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।